पिता की जान बचाई है, बात को हमको समझना है। और कहा कि जान है तो जहान है। और बाद में जब स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कर ली तो फिर क्या कहा कि जान भी है और जहान भी है, काम भी करेंगे आगे भी बढ़ेंगे। और व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत करो, यहां सुनील चौबे जी बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने, मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार ने चल, एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था, एक भी। और आज 1659 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, ये हमको समझना चाहिए। एक भी कोविड का डेडिकेटेड बेड नहीं था, आज 12,00,000 से ज्यादा डेडिकेटेड बेड्स। टेस्टिंग फैसिलिटी मैं जानता हूं, आपका सैंपल NIV पुणे जाता था, डॉक्टर मैं ठीक बोल रहा हूं, डॉक्टर जसवाल जी अध्यक्ष जी, हवाई जहाज से NIV पुणे जाता था। और वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक इंस्टीट्यूट थी जहां की कोविड का टेस्ट होता था। आज हमारे यहां 1600 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं और हमारे यहां प्रतिदिन पहले 1500 टेस्टिंग होती थी, आज हमारे यहां प्रतिदिन 11,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, यह प्रतिक्रिया। और अपने आत्मनिर्भर भारत की बात करें, आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए आपने। जब कोविड लगा तो हमारे यहां पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट विदेश से आता और चाइना से भी आता, और फिर चर्चा होती थी कि ये सस्ता मटीरियल है, ये घटिया मटीरियल है, चाइना जानता था, इस तरीके की बातें लोग आपस में चर्चा करते थे। मोदी जी ने देश के उद्यमियों को जगाया, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अभी तो अगर नरेंद्र मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत का है तो आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, जब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा, एक एक राज्य जब आत्मनिर्भर बनेगा तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना और पूरा होगा। इसलिए मित्रों, ये चुनाव का मुद्दा केवल विकास होगा, सुशांत राजपूत या कंगना रनौत ये मुद्दा नहीं होगा। लेकिन मैं कांग्रेस राजद के लोगों से पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में तो UPA की सरकार है, यहां पर आप विधानसभा में कहते हैं CBI की जांच हो, लेकिन आप ही की सरकार जो महाराष्ट्र में है वो CBI जांच का क्यों विरोध कर रही थी? ये दोहरापन नहीं चलेगा, बिहार के लोग इस दोहरेपन को जानते और पहचानते हैं। यहाँ एक बयान और महाराष्ट्र में दूसरा बयान, कंगना रनौत के मामले में सोनिया जी ने चुप्पी क्यों साध लिया? इसलिए मित्रों एक बात और अंत में कर दूं, कुछ लोगों को यह गलत फहमी है कि लालू जी जेल से बाहर निकल जाएंगे तो तीर मार लेंगे, NDA गठबंधन का सफाया हो जाएगा। आपको याद करा दें 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू जी जेल में नहीं थे, बाहर थे, और घूम घूम कर मीटिंग्स की थी उन्होंने, 22 पर पहुंचा दिया था भाजपा जदयू गठबंधन, 22 पर। और मैं तो ईश्वर से मनाता हूं रोज की, हे भगवान लालू जी को बेल मिल जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि वो जितना घूमेंगे बाहर उतना ही हमको 2005 के पहले का बिहार का याद कराना चाहता हूं। इसे मित्रों आपने मौका दिया, बिहार के अंदर जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतनराम मांझी, ये गठबंधन इतना मजबूत है, ये हर तरह की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मित्रों मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से बिहार की जनता ने 15 साल हम लोग सेवा करने का मौका दिया है, जब बैंकों ने छात्रों को लोन देने में कोताही की, आपको मालूम है 1,00,000 से ज्यादा छात्रों को 1,100 करोड़ रुपए अपने खजाने से निकालकर बिहार की सरकार ने दे दिया, और ब्याज की दर क्या केवल 4% और लड़कियों की केवल 1%, और मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अगर कल अगर लोन वापस नहीं कर सकोगे तो तुम्हारा लोन माफ कर देंगे, किसी भी गरीब लड़के को स्कूल क्रेडिट कार्ड वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्रों ये है बिहार का विकास। ये नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, 15 साल में आपको मौका मिला, झारखंड जब बिहार के साथ शामिल था आपने कल 95,000 लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी में रोजगार नहीं सरकारी नौकरी, और हम लोगों ने 15 साल में 6,08,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, 4,00,000 तो केवल
शिक्षकों को बहाल करने का काम किया है। इसलिए मित्रों, इस चुनाव के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। हर चुनाव में लोग कहते थे बिजली सड़क पानी है, बिजली सड़क पानी में मुद्दा तो हिम्मत है, विपक्ष इसको चुनाव का मुद्दा बनाए। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सब लोग यहाँ बैठे मालूम है। पट्टी में रात को उठकर हम लोग को 1 बजे रात को जनरेटर चलाना पड़ता था, आज जनरेटर क्या भूल गए लोग, इन्वर्टर भूल गए। और बिहार के गांव गांव के अंदर 18 घंटे 20 घंटे बिजली है। आज बिजली चुनाव का मुद्दा नहीं है, आज सड़क चुनाव का मुद्दा नहीं है, केवल नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे नहीं तो गांव को भी सड़कों से जोड़ा गया और गांव के भीतर की जो नली और गली है उसको भी बनाने का काम किया गया। पानी कोई चुनाव का मुद्दा नहीं, हर घर में पाइप से पानी पहुंचा दिया गया। जब लॉकडाउन लागू हुआ तो हमारे विपक्षियों ने माइग्रेंट लेबर को मुद्दा बनाने का प्रयास किया, फिर बयान छपता है। नहीं तो इसके पहले दूसरे जगहों पर कहीं ना कहीं बिहारियों को क्षेत्रवाद का शिकार भी होना पड़ता था। अब अगर उसके पास 90% मार्क्स होगा तो उस क्षेत्र का कोई 80% वाला कभी नहीं कर सकेगा कि हमको नौकरी दो क्षेत्रवाद के नाम पर। यह प्रधानमंत्री जी की भारत को देन है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार जब तक एक रूप में नहीं होगी आत्मनिर्भर बिहार बन ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक रूप रखने के लिए केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार में एनडीए को 3/4 बहुमत की जरूरत है और उसी से आत्मनिर्भर बिहार हो सकता है। बहुत सारे मैं देखता हूं युवाओं को कि रोजगार की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बेतिया से सांसद हूं, जिसको प्रवासियों का देखना है कि क्या स्थिति है। बेतिया चले मेरे यहाँ दो प्रवासी आए थे, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और 66 क्लस्टर हमने प्रवासी के जो श्रमिक थे उनके बनाए हैं। और जो लुधियाना में पेवर्स ब्लॉक का मजदूरी का काम करता था आज वह बेतिया में व्यवसायी है। आज चरपटिया में हम लोगों ने जो सूरत में लेगिंग्स का बनाने का कपड़े सिलने का काम करता था वह आज बेतिया में आके वह अपना व्यवसाय करके 6.5 लाख रुपए का धंधा कर रहा। और यह तभी संभव सका जब बिहार का प्रशासन, बिहार की सरकार और केंद्र सरकार में एकरूपता दिखी है। इस तरह के 66 लघु उद्योग केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मदद से केवल चंपारण जिले में हो रहे हैं। और इस तरह की अनेकों आत्मनिर्भर बिहार यही है कि हम एक मॉडल प्रस्तुत करें। हम लोगों के यहाँ यह मॉडल है, सभी की मैपिंग हुई, स्किल की मैपिंग हुई है। आज सुबह हम लोग भी देखते जाते हुए कि हवाई जहाज से लोग जा रहे हैं तो बिहार की यह क्षमता है कि आज मजबूरी हो गई है, बाहर किसी को बुलाना है तो हमारे यहाँ के निवासियों को हवाई जहाज से बुलाना पड़ रहा है। और बिहार सरकार ने तय किया है केंद्र सरकार की मदद से कि हम हर हालत में आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। और भाजपा ने इस निर्णय को किया है, हम लोग खुद लालटेन की रोशनी में पढ़ाई किए हैं। और जब किरासन तेल में आप पढ़ाई करते हैं, हमारे साथ के बहुत साथी यहाँ मौजूद हैं, तो उसके बाद रोतौंधी हो ही जाती थी, बाहर कुछ नहीं दिखता था। लालटेन की रोशनी से हम उठते थे तो कुछ भी नहीं दिखता था। तो आज भी विरोधी दल उसी रौतौंधी का शिकार है। आज भी वो यह समझने को तैयार नहीं है कि बिहार का जो एक विकास का बेस लाइन था, बिजली सड़क पानी खेतों में बिजली, इस तरह की समस्याओं को 15 वर्षों में हमने निराकरण कर दिया है। अब बिहार का युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनेगा। हम 65 पैसे में खेतों में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बहुत जगह पहुंच गया और बहुत जगह पहुंचने वाला है। और जो एक किसान को लगभग 700 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता था पटवन में, आज वो महज 20 रुपए में संभव हो सकेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बिहार का अलग से ख्याल रखते हैं। वो कोई भी भाषण होगा लोकसभा में तो जरूर बोलेंगे कि जब तक पूर्वांचल तरक्की नहीं करे, जब तक बिहार तरक्की नहीं करे, तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की अलग से योजनाएं दी, जिससे सड़क, ग्रामीण सड़क और पुलों का विकास संभव हो सका। इसके अलावा 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज उन्होंने दिया है, 1 लाख करोड़ किसानों के लिए दिया है, वह बिहार सरकार के आत्मनिर्भर बिहार अभियान की नींव बनेगा। क्योंकि सभी को
सभी यह जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और बिहार आत्मनिर्भर बन के रहेगा, इस पर किसी को कोई विवाद नहीं है। गांव के किसी गरीब से पूछिए, उसको यह विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं।